अब एक मेंबर ऐसा भी है अपने पास, कॉस्ट अकाउंटेंट है, जिन बच्चों का कैंपस नहीं होता है उनके लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाते हैं और कहीं ना कहीं प्लेस करवाते हैं। इनसे बहुत सारे कैंपस लेने वाले भी कोर्स कर लेते हैं, लेकिन हम ट्राई ये कर रहे हैं, ये प्राइवेटली चलो पैसे लेते होंगे, बट इंस्टीट्यूट में बार बार इनको आप लोगों के लिए सर्विसेज में रखेंगे इनको कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उनका क्या जर्नी था, ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए मैं CMA रोहन शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा जो उसके बारे में बता दें। रोहन थैंक यू संदीप सर फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू ऑल काउंसिल मेंबर्स। सो बेसिकली मेरा CMA फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ था, मैं मल्टीपल अटैम्प्ट लगा था। ग्रुप 1 में 3 अटैम्प्ट लग गए थे, ग्रुप 2 में 2 अटैम्प्ट लग गया था, फाइनल में भी अटैम्प्ट लगे थे। बट हम ये सोचते हैं लाइक कि अगर हमारा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होंगे कि मेरा कैंपस होना चाहिए, अगर कैंपस नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। सो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, कैंपस इज नॉट द लास्ट ऑप्शन इन योर कैरियर, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ योर लाइफ। एंड इफ यू विल नॉट सेलेक्टेड इन कैंपस देन डोंट वरी अबाउट, दे आर द मल्टीपल अपॉर्चुनिटी विथ यू इन ऑफ कैंपस। इवन इन PSU एवरी मंथ PSUs में CMH के लिए वैकेंसी आती है, बस आपको अवेयर रहना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। मैं बात करूँ CMA एग्जाम्स के लिए, तो मेरे अकाउंट के पेपर में 19 नंबर भी आए हैं और मेरे अकाउंट के पेपर में 67 भी आया है। कॉस्टिंग में मेरे ऐसे 20-25 नंबर भी आए हैं और 69 भी आया है। तो ऐसा क्यों हुआ, 19 या 20-25 नंबर क्यों आए और 69 नंबर क्यों आया? तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि आप कितना प्रिपरेशन करते हो ये मैटर नहीं करता, आप कितना प्रेजेंट करते हो ये मैटर करता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने किया अपने मिस्टेक से, ओवर राइटिंग। आप पेपर में ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बेसिकली कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होते हैं। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने एक पेज छोड़ दिया, ठीक है, जो फाइनल कंक्लूजन कोई कंपेरिजन करना है या फिर जो भी बैलेंस शीट बनाना है एक पेज दे दिया। देन नेक्स्ट पेज से मैंने सारे वर्किंग नोट्स किए, जितने भी गलतियां करना है आप वर्किंग नोट पे करो, फाइनल आंसर आपका परफेक्ट होना चाहिए, जिससे मेरी क्या हुई, आंसर शीट मेरे अच्छे होने लगे। प्लस मैं आपको बताऊं, मैंने इंटर में मेरे ग्रुप 2 में 247 आया था, जिसमें 3 पेपर एग्जेम्प्ट हुआ। रीजन ये था, मैंने 10 kg कॉपी खत्म किया, मैंने इतनी प्रैक्टिस की और लिख के प्रैक्टिस किया। जनरली बच्चे होते क्या है कि क्वेश्चन सामने रखा, आंसर सामने रखा और देखा हाँ ये ऐसे ऐसे हो गया, उससे आपका माइंड कभी क्लिक नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तभी आपका माइंड में क्लिक होगा। दूसरा प्रॉब्लम में होता है थ्योरेटिकल टॉपिक, हमें थ्योरी ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, ऐसा मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था। तो जैसे बलविंदर सर ने भी काफ़ी एक अच्छा सजेशन दिया, मैंने क्या किया था, मैंने सेक्शंस की लिस्ट बना ली थी एक पेपर पे, जैसे कंपनी लॉ का हो गया या OM का क्या हो गया, क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने बना लिया। देन आई ऑलवेज ट्राई टू रिकॉल कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या प्रोविजन था, और उसको मैं माइंड से रिकॉल करता था, जिससे मेरा रिविजन 30 मिनट में एक चैप्टर का हो जाता था। तो मेरा टाइम भी सेव हुआ, रिविजन भी हुआ, और जो कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है जस्ट मैंने उसको बुक खोला, मैंने चेक कर लिया, तो मेरे रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स हुई और मुझे कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा टाइम तक रिटेन हो गया, और उसके बाद मेरे पेपर्स भी अच्छे जाने लगे और इसलिए मेरे नंबर्स भी अच्छे आने लगे। सो बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, और छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं प्रेजेंटेशन में, जैसे बलविंदर सर ने बताया करंट रेशियो का आपको फॉर्मूला डालना है। एक चीज़ और, आप पेपर में अमाउंट का साइन लाइक KG जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, ये सारी चीज़ आप लिखना जरूर, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिससे आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, और जब 59 और 60 में 1 मार्क्स का डिफरेंस होता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट उसका आपको मालूम चलता है कि आपको फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है उस एक नंबर की वजह से, राइट? सो आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स मत करो, उन सारे एरिया पे आप काम करो, और सक्सेस डेफिनेटली आप सबको मिलेगा। जैसे सर ने बताया, अभी मैं रिसेंटली एसेंचर में जॉब कर रहा हूँ, और मैंने लास्ट ईयर मैंने भी एज SAP कंसल्टेंट यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की है। तो CMA के लिए बहुत वाइड स्कोप है, आपको मार्केट में भी, मैं एक फाइनेंस का बंदा और IT कंपनी में एज SAP कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ, सो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाले टाइम में भी होंगे। अभी AI आ गया है,
बहुत सारे न्यू टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, आप सबको उन सबको भी सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम स्पेशली बलविंदर सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर ने SAP कोर्स CMA कोर्स में इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। और CMA इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो SAP कोर्स हमारे कोर्स कैरिकुलम में डाल के दे रहा है, और आपके पास और सर्टिफिकेशन में जो SAP का लोगो आपको मिलेगा वो एक ब्रांड वैल्यू आपके लिए क्रिएट करेगा। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक्स।